इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का हर मकदम है। आज जिस मौजू पर बात करने वाले, वाकई सोचने वाली बात है कि जिस राम मंदिर के लिए पिछले कई सालों से तशद्दुद, तनाजा, फसाद बरपा हुए पूरे देश में, दो मजहबों के दरमियान दरार का सबब बना अदालत ने भी राम मंदिर के हक में फैसला दिया गया। कहा यह भी जाता है कि सुप्रीम कोर्ट पर भी अक्सरियत तबके को खुश करने के लिए ही फैसला राम मंदिर के हक में देने के लिए दबाव बना गया। कई साबिक जजों ने अदालती फैसले को साजिश के तहत दिया गया फैसला कहा। खैर, इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिर राम मंदिर तामीर का काम रोका गया है, क्योंकि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद थी अब उसे गिरा कर आलिशान राम मंदिर तामीर करने का वादा मोदी हुकूमत ने किया था। लिहाजा इसे पूरा करने के लिए एक माहौल बनाकर राम मंदिर की तामीर की जा रही थी, पर हासिल इत्तला के मुताबिक जमीन के नीचे बुरबुरी बालू होने की वजह से पिलर चने राम मंदिर के तकरीबन 25 से ज्यादा खंभे जमीन में धस चुके हैं। वैसे तो इस खबर को मीडिया ने भी दिखाया है और आज की तारीख में काफी चर्चा का मौजू भी रहा। कईयों ने इस मौजू पर वीडियो बनाने के लिए कहा तो हमने भी राम मंदिर की तामीर में कुदरत की रिकॉर्ड पर तफसीलात पेश करने की कोशिश किया है। जमीन में राम मंदिर तामीर के लिए 125 फीट के नीचे पिलर्स को बिठाया गया और 700 टन वजन के जरिए पिलर्स की कुवत को चेक किया गया। लिहाजा तमाम पिलर्स जमीन में धस गए, जिसे राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय ने मीडिया के सामने अफसोस जताते हुए कहा कि जिस जगह पर भगवान राम का मंदिर तामीर करना था वह जमीन भुरभुरी बालू की है। ना सिर्फ 128 फीट बल्कि नीचे 200 फीट तक रेती ही होने की बात कही जा रही, जिससे राम मंदिर तामीर के काम को रोक दिया गया। वादा रहे कि 212 पिलर्स जो तकरीबन 128 फीट ऊंची और 5 मंदिर में दाखिल दरवाजों को तामीर किया जाना है, जिसकी लागत 1000 करोड़ के करीब हो। अब सवाल ये उठता है कि बाबरी मस्जिद तो सैकड़ों सालों से खड़ी थी, पर राम मंदिर के खंभे जमीन में क्यों धस रहे? इस पर VHP के और राम मंदिर के चंपत राय कहते हैं कि कैसे हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, पर जमीन में रेत के साथ सरयू नदी का किनारा होने की वजह से खंभे धसने की बात कही जा रही। लिहाजा विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर तामीर कमेटी ने मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से माहिरीन को तलब किया और उनके मशवरा किया जा रहा है। खासकर लार्सन एंड टर्बो, टाटा कंसल्टेंसी, IIT मद्रास, IIT रुड़की, IIT दिल्ली, IIT सूरत, IIT बम्बई और TCI एडवाइजर AP मल्ल को भी बुलाया गया है राम मंदिर तामीर में आने वाली तमाम रुकावट और कमजोर रेत के तहत कैसे तामीर किया जाए। इस पर कमेटी बनाई गई है जिसमें वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री और इनके सेक्रेटरी के जेर मातहत तबादले ख्याल किया जाएगा। सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि पहले के इंजीनियर आर्किटेक्ट कितने माहिर होंगे जो ताजमहल को भी यमुना नदी के बिल्कुल किनारे तामीर किया गया और सैकड़ों सालों से इमारतें जो की त्यों खड़ी है। सैकड़ों एहतजाज, रैलियां, खून खराबे के बाद आखिरकार अदालत का फैसला भी आया। भाजपा इसका सियासी मुफाद हासिल करने के लिए 2023 तक इस मंदिर के काम को मुकम्मल करना चाहती है। दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र का भी ख्वाब है, इसी के जरिए देखा जा रहा है किसी तरह जज्बाती मौजूदों पर आवाम के जहन को मुंतशिर करने की मुस्तकिल कोशिश वैसे भी पहले से की जा रही है, लेकिन कुदरत का इस तरह का रिकॉर्ड बनना भाजपा संघी विचारधाराओं के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। माहिरीन का कहना है कि अगर 200 फीट भी नीचे खोद कर खंभों को बिठाया जाए तो भी इमारत सैकड़ों साल तक खड़ा रहना मुमकिन नहीं है। सरयू नदी के झरे नीचे होने की बात भी कही जा रही है, जहां से पानी मुस्तकिल दाखिल हो रहा है। लिहाजा चारों तरफ सैकड़ों फीट दीवार जमीन के नीचे तामीर कर पानी के बहाव को रोकने पर सलाह मशवरा किया जा रहा है। ट्विटर, इंस्टाग्राम और दिगर सोशल मीडिया पर राम मंदिर की तामीर में कुदरत के रिकॉर्ड पर मुख्तलिफ राय भी देखी जा रही है। सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि क्या पहले के लोग हमसे ज्यादा इल्मी एतबार से बेहतर थे? बराए मेहरबानी इसे कभी हिंदू मुस्लिम के नजरिए से ना देखे। कई हिंदू मंदिर भी हैं जो सैकड़ों सालों से मजबूती के साथ खड़े हैं। मुगल बादशाहों की शानदार इमारतें क्या होगी उस वक्त की कारीगरी और हुनरमंद कारीगर जिसका आज भी कोई सानी नहीं है। चार मीनार, कुतुब मीनार, बीजापुर का गोल गुंबद सैकड़ों साल गुजर गए, पर इमारतें आज भी उसी तरह खड़ी है जैसे सैकड़ों साल पहले थी। इसके बाद का भी दौर देखिए, बेलगाम का ही रेलवे ओवर ब्रिज देख लीजिए, अंग्रेजों के जमाने में इसकी तामीर हुई थी, 100 साल का अरसा गुजरा, पर हाल ही में तामीर किया हुआ नया ब्रिज कुछ ही महीने में दरारों को देखा गया। खैर, राम मंदिर तामीर के बहाने एक बार फिर पुरानी इमारतों को
कैसे तामीर किया गया होगा, इस पर तस्करा शुरू हुआ है। बाबरी मस्जिद 1528 में तामीर की गई, कारसेवा के नाम पर इसे 1992 में शहीद किया गया। तकरीबन 464 साल से बड़ी मजबूती के साथ खड़ी थी, लाखों कारसेवकों ने इसे गिराया, काफी मशक्कत के बाद इसे गिराया। इस बात को भी अक्सर माहिरीन ने वाज़ा किया है कि यकीनन मस्जिद को गिराने में बारूद का इस्तेमाल हुआ है, वरना यह मस्जिद लाखों की भीड़ के जरिए भी एक दिन में गिरना मुमकिन नहीं था। खैर, राम मंदिर तामीर को लेकर एक बार मौजूद जेर बहस है, पर इस बार कटघरे में कोई मुसलमान नहीं है बल्कि कुदरत है, और इतना जरूर है कि राम मंदिर तामीर को लेकर कुदरत रुकावट बनकर खड़ी है। अब देखना यह कि संघ परिवार हिंदुत्ववादी तंजीमें कुदरत का कैसे मुकाबला करते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।